हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक ग्रुप ई 2023 के बारे में। यदि आप डिप्लोमा इन फार्मेसी उत्तर प्रदेश में किसी भी गवर्नमेंट या फिर एडेड या फिर बेस्ट प्राइवेट कॉलेज से करना चाहते हैं तो आपको यूपी पॉलिटेक्निक ग्रुप ई के एंट्रेंस एग्जाम को फेस करना होगा। तो आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा कि एग्जाम पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या है, प्लस इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, क्या क्राइटेरिया है, कौन से कैंडिडेट इस ग्रुप ई के कैंडिडेट मतलब ग्रुप ई के फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। ठीक है, तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहेंगे, अगले 10 मिनट में इस एग्जाम को लेकर के हर एक इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी पे कि कौन से कैंडिडेट एलिजिबल हैं ग्रुप ई के एग्जाम के लिए। तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जो उत्तर प्रदेश में पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा होती है उसको कई ग्रुप में बांटा गया है, जिसमें कि बहुत सारे वेरियस ग्रुप्स हैं, जिसमें कि एक ग्रुप ई है जो कि डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए। डिप्लोमा इन फार्मेसी में यदि एडमिशन लेना है तो आपको ग्रुप ई का एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। अब ग्रुप ई का भी एंट्रेंस दो ग्रुप में बांट दिया गया है। कितने ग्रुप में? ग्रुप ई का जो एंट्रेंस है इसको भी दो ग्रुप में बांट दिया है। पहला ग्रुप को हम लोग क्या कह देते हैं, ग्रुप ई वन, क्या कह देते हैं, ई वन। दूसरा होता है ई टू। अब ई वन वाले ग्रुप, ई वन ग्रुप में कौन से बच्चे आते हैं, जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी क्लास 12th में पढ़े हैं, और ई टू ग्रुप में वो बच्चे आते हैं जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़े हैं, जिनका मेन सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है और जो जिनका 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी था। तो E1 हो या E2 हो, दोनों के बारे में आज बात करेंगे। तो एलिजिबिलिटी है कि आपका कम से कम 10+2 होना चाहिए मिनिमम, यानी आप 12th अपीयरिंग, या तो आप इस बार 2023 में 12th दिए हों या फिर आप 12th पासड आउट हों विथ साइंस स्ट्रीम, विथ साइंस स्ट्रीम, याद रखिएगा, क्या साइंस स्ट्रीम। साइंस स्ट्रीम कह रहा हूँ क्यों, क्योंकि साइंस स्ट्रीम कहने का मतलब हुआ या तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का, हो सके आपको ये कलर रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। तो साइंस स्ट्रीम कहने का मतलब ये हुआ कि या तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के स्टूडेंट होंगे, या तो फिर आप क्या चीज़ के स्टूडेंट होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के स्टूडेंट होंगे। क्या बोल रहा हूँ मैं, या तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपका मेन सब्जेक्ट होगा या तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो ये दोनों स्ट्रीम से हो सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं यूपी पॉलिटेक्निक ग्रुप ई के लिए। यदि आप बायोलॉजी वाले स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ग्रुप ई1 होता है, जो कि मैक्सिमम कैंडिडेट ग्रुप ई1 के होते हैं। और कुछ बच्चे जो मैथ वाले भी हैं वो भी इंटरेस्टेड होते हैं फार्मेसी में, क्योंकि आप जानते हैं कि फार्मेसी एक अच्छा उभरता हुआ, मतलब एक रेवेन्यू के दर्शन से दृष्टि से देखें कि आप यदि पैसा कमाना चाहते हैं तो फार्मेसी एक बेहतर फील्ड माना जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसका स्कोप थोड़ा सा बेहतर है, इसलिए इधर लोग ज्यादा रुझान रखते हैं। तो मैथ वाले भी कैंडिडेट अब धीरे धीरे इस एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो E2 के ग्रुप में आते हैं। उनका क्वेश्चन पैटर्न अलग होता है, E1 का अलग होता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो एलिजिबिलिटी है कि आप कम से कम 12th किए होने चाहिए। और कुछ बच्चे, अब वो 12th या तो आप यूपी बोर्ड से हो, या तो आप CBSE बोर्ड से हो, या तो आप किसी ओपन बोर्ड से हो, जैसे कि NIOS से कोई किया हुआ है तो वो भी चलेगा। लेकिन यदि कोई बोलता है कि मैं डिप्लोमा कंप्लीटेड हो, मान लीजिए कोई डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग कंप्लीट किया हो, जैसे एक बच्चे का कमेंट था, मैं नाम नहीं याद है मुझे, लेकिन उनका कहना था कि मैंने डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग किसी गवर्नमेंट कॉलेज से कर लिया है, अब उन्हें फार्मेसी करना है, तो क्या वो इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए एलिजिबल है? वो 10th के पास, क्योंकि इंजीनियरिंग में तो 10th से ही हो जाता है, 10th जो पास है वो यूपी पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरेगा, इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लेगा, तो क्या अब वो हो क्योंकि डिप्लोमा कंप्लीटेड है? तो नहीं, इसके लिए आपको इस एग्जाम में वही बैठ सकते हैं जो 10+2 किए हुए हैं साइंस बैकग्राउंड से, वही इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, चाहे वो यूपी बोर्ड से हो, NIOS बोर्ड से हो, या फिर CBSE बोर्ड से हो, या फिर ICSE बोर्ड से हो, समझ रहे ना? तो वही कैंडिडेट एलिजिबल हैं। क्या अदर स्टेट के कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं? यस, अदर स्टेट के भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं, लेकिन उनको काउंसिलिंग में थर्ड काउंसिलिंग के बाद, शुरुआती तीन काउंसिलिंग जो होता है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तीन काउंसिलिंग तक सिर्फ यूपी के बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। थर्ड काउंसिलिंग के बाद यदि कोई सीट बचता है तो उसमें अदर स्टेट के बच्चे एग्जाम देंगे, फॉर्म भी भराएगा, लेकिन उनका काउंसिलिंग नहीं होगा शुरुआती तीन काउंसिलिंग तक। थर्ड के बाद जो सीट बचा तो
फोर्थ काउंसलिंग फिफ्थ काउंसलिंग में फिफ्थ राउंड में वो बच्चे को सीट अलॉट किया जाएगा। ठीक है, ये रहा कंप्लीट एलिजिबिलिटी की बात। प्लस अब आपको मैं यहीं पर बताता हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे फॉर्म भरने में, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। ठीक है, आपको यदि ट्वेल्थ पास्ड है, जो बच्चे पास्ड है उनके लिए बता रहा हूँ, एक मार्कशीट आपका ट्वेल्थ का होना चाहिए, प्लस क्या होना चाहिए, आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए। पासपोर्ट साइज फ़ोटो ध्यान रखिएगा, जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो रखिएगा वो फ़ोटो आप रख लीजिएगा पाँच छः फ़ोटो एक्स्ट्रा, क्योंकि काउंसलिंग के टाइम पे वही सेम फ़ोटो मांगा जाता है जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में फिल किया है। ठीक है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो प्लस सिग्नेचर। और यदि आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे OBC से हैं, EWS से हैं या फिर SC ST, तो अपना आप कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। अभी टाइम है ऑनलाइन, 14 दिन में ये बन जाता है। ठीक है, 14 डेज में ये बन जाता है, ऑनलाइन कैफे वाले से करवा लीजिए, बनवा देगा वो। ठीक है, तो इतना ही डॉक्यूमेंट्स अभी फिलहाल एप्लीकेशन फॉर्म भरने में लगता है। और एक ID प्रूफ होना चाहिए, मैं भूल गया था, ID प्रूफ कहने का मतलब है यानी आपका आधार कार्ड या पैन कार्ड कुछ भी होना चाहिए। ठीक है, तो आपका ये रहा एलिजिबिलिटी। ठीक है, एलिजिबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग बात करते हैं एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न तो ग्रुप E1 का एग्जाम पैटर्न अलग होगा ना, और ग्रुप E2 का एग्जाम पैटर्न अलग होगा, है ना। क्यों? क्योंकि E1 वाले बच्चे में कौन आते हैं, E1 कैंडिडेट कौन है बताइए, जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़े हैं, और जो और E2 में कौन आते हैं, जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो E1 वाले बच्चे का एग्जाम पैटर्न क्या होता है, तो उनका फिजिक्स में कितना क्वेश्चन आएगा, 25 क्वेश्चन आएगा। केमिस्ट्री में कितने क्वेश्चन आएंगे, 25 क्वेश्चन आएंगे। बायोलॉजी से कितने क्वेश्चन आएंगे, 50, उसमें से 25 बॉटनी 25 जूलॉजी। ठीक है, ये रहा टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, 100। एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है, 4 मार्क्स का। टोटल मार्क्स कितना हो गया, 400। टोटल मार्क्स कितना हो गया, 400। तो ये क्राइटेरिया रहता है। अब E2 वाले बच्चे का बात करें तो इनका भी फिजिक्स में कितना, 25 क्वेश्चन, प्लस केमिस्ट्री में भी कितना, 25 क्वेश्चन, प्लस मैथ में कितना, इनका मेन सब्जेक्ट मैथ है तो 50 क्वेश्चन। ठीक है, तो इनका भी टोटल क्वेश्चन कितना हो गया, 100। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है तो टोटल मार्क्स हो गया 400। सेलेक्शन कितने मार्क्स पे हो जाता है, टोटल 100 हो गया 400 मार्क्स, तो सेलेक्शन आपका टारगेट रहना चाहिए 230 to 240 प्लस स्कोर यदि आप लाते हैं तो आपका सेलेक्शन कन्फर्म है, आपका सिलेक्शन कन्फर्म हो जाएगा। यदि आप 230 प्लस स्कोर कर लेते हैं तो, जैसा कि पिछले 2-3 सालों का एनालिसिस है कि जो बच्चे 220-230 स्कोर कर लेते हैं, 240, उनका सिलेक्शन कन्फर्म रहता है फर्स्ट राउंड में, तो सेकेंड राउंड में तो कन्फर्म हो ही जाएगा। ठीक है, तो 230 मार्क्स लाने के लिए कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, क्या माइनस मार्किंग होता है, तो यस निगेटिव मार्किंग होता है, निगेटिव मार्किंग होता है, निगेटिव मार्किंग होता है। कहने का मतलब क्या हुआ, निगेटिव मार्किंग कहने का मतलब हुआ कि कितना परसेंट निगेटिव मार्किंग है, तो एक क्वेश्चन गलत होने पे एक मार्क्स कटेगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन सही होने पे 4 मार्क्स मिलेगा। तो कहने का मतलब हुआ कि यदि आप 4 क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो एक सही क्वेश्चन भी गायब हो जाएगा। तो मतलब 4 पे 1 है कि एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो एक मार्क्स कटेगा, और यदि सही करते हैं तो 4 मार्क्स मिलेगा। ये हुआ आपका PCB और PCM दोनों ग्रुप का। अब बात करते हैं कि क्या आपका स्ट्रेटजी होना चाहिए, कैसे आप 230 तक पहुंचेंगे। तो मैं ग्रुप E1 वाले कैंडिडेट को बताता हूं, उसी तरीके से आप ग्रुप E2 वाले फॉलो कर लीजिएगा, कि आपका जो इसमें सबसे कम मतलब सबसे बेस्ट स्कोरिंग विषय होगा वो बायोलॉजी। वो क्या होगा, बायोलॉजी। बायोलॉजी में आप ऐसे क्वेश्चन आते हैं यदि सही से आप पढ़ लेंगे तो 40 क्वेश्चन आराम से सही कर सकते हैं, 40 से 45 क्वेश्चन। यदि आप बायोलॉजी में, मैं मानता हूं कि आप 40 ही क्वेश्चन सही कर लिए, 40 ही क्वेश्चन सही कर लिए, और फिजिक्स में कम से कम 10 क्वेश्चन और केमिस्ट्री में कम से कम 15 क्वेश्चन भी सही हो गया, तो आपका कितना हो गया, 40 10 60 5 65, कितना हो गया, 65। अब 65 × 4 कितना कर लीजिए, 4 5 20 के सुनना बकिया 2 4 6 24 2 26, 260 मार्क्स। खूब माइनस जाएगा, थोड़ा बहुत माइनस भी चल जाए तो 200 फिर भी 40 आ जाएगा, तो 230 प्लस स्कोर हो गया, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये स्ट्रेटजी होना चाहिए, लेकिन बायोलॉजी आपका स्ट्रांग पूरा तगड़ा होना चाहिए। ठीक है, और ये कैसे पढ़ना है वो मैं लास्ट में बताऊंगा, खुद से ऐसे तो नहीं हो पाएगा, लेकिन अब पहले हम लोग सिलेबस को लेकर के बात कर लेते हैं। सिलेबस क्या है, ठीक है, सिलेबस आपका पूरा क्लास 11th और 12th है, 11th 12th की बायोलॉजी, 11th 12th की केमिस्ट्री, 11th 12th की फिजिक्स। आप तो पूरा डर गए होंगे, तो भैया मैं आपको बता देता हूँ, पूरा 11th 12th अभी पढ़ने का टाइम नहीं बचा, अब आपको उतना नहीं पढ़ना है। आप एक अरिहंत बुक, मैं बायोलॉजी के लिए बता देता हूँ, अरिहंत का आपका एक बुक आता है, अरिहंत का बुक आता है UP पॉलिटेक्निक बायोलॉजी वर्ग के लिए, वो बुक आप मंगवा लीजिए,
प्लस आप एनसीईआरटी, याद रखिएगा एनसीईआरटी क्लास 11th और 12th का, ठीक है 11th 12th, इसको प्रिफ्रेंस में रखिए, एनसीईआरटी को मिला करके अरिहंत को पढ़ लीजिए, आपका स्कोर हो जाएगा बायोलॉजी अच्छा। बचा फिजिक्स और केमिस्ट्री, तो फिजिक्स में ज़्यादा स्कोर करना नहीं है, केमिस्ट्री में ज़्यादा स्कोर का टेंशन नहीं है, तो सिर्फ अरिहंत भी पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, तो सिर्फ अरिहंत भी पढ़ लेंगे तो काम हो जाएगा। तो यही सिलेबस है और ऑफिशियल सिलेबस कुछ भी जारी नहीं किया गया है। और यदि आप सिलेबस का, मैं हर एक सब्जेक्ट के सिलेबस का वीडियो बनाया हुआ हूँ और फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, आप क्या कीजिए कि प्ले स्टोर पर जाइए और उदित फार्मेसी सर्च कीजिए, उदित फार्मेसी क्लासेस, देन हमारा ऐप आ जाएगा, उस ऐप को इंस्टॉल करके ईमेल आई डी डाल के लॉग इन कर लीजिए और डी फार्मा वाले कोर्स में जाइए और वहाँ पर फ्री कॉन्टेंट में जाइए। फ्री कॉन्टेंट में आपको पूरा ग्रुप E1 का सिलेबस का जिक्र किया गया है, ग्रुप E2 के सिलेबस का जिक्र किया गया है बहुत अच्छे से वीडियो के माध्यम से, ठीक है कोई दिक्कत नहीं होगा। नहीं तो मैं YouTube पे भी बना दिया हूँ, आप कोई भी चीज़ सर्च कर लीजिए बायोलॉजी सिलेबस बाय उदित एकेडमी, आराम से आ जाएगा वीडियो, आप उस वीडियो को देख करके समझ सकते हैं। हर सब्जेक्ट का सिलेबस मैंने डिस्कस कर रखा है। अब बात करते हैं कि आप बायोलॉजी में कैसे 40 प्लस स्कोर करेंगे। तो अरिहंत पढ़ना है प्लस NCERT पढ़ना है, दोनों को मिला के जो कॉन्टेंट पढ़ लिया आराम से स्कोर कर जाएगा। तो क्या आप खुद से कर सकते हैं? यदि कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं खुद करवा रहा हूँ ये चीज़ें अपने ऐप पर, ठीक है। वो कैसे? तो आपको पूरा अरिहंत है, अरिहंत के हर एक कंटेंट को पढ़ाता हूँ, लेकिन हाँ अरिहंत में कुछ कुछ कंटेंट गलत भी दिया हुआ है, कुछ चीटें कम दी हुई है, इसलिए मैं जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो NCERT से उसमें ऐड कर देता हूँ, ठीक है। NCERT की चीज़ें उसमें ऐड करके पढ़ाता हूँ, जो चीज़ें गलत दी है उसको सुधार करके पढ़ाता हूँ, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप आराम से हमारे साथ मेरे ऐप पर आ जाइए, हमारे ऐप पर आ जाइए। YouTube पर फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस तो चलती ही रहती है उदित अकेडमी के YouTube चैनल पे, लेकिन हाँ आप यदि चाहते हैं जेन्युइन तैयारी, जेन्युइन यदि 2-3 महीने में सिलेक्शन चाहते हैं, अगला ये मार्च बचा, अप्रैल मई, मात्र 3 महीने बचे, जून में एग्ज़ाम है, तो आपके 3 महीने में यदि आप सिलेक्शन चाहते हैं, अपना 1 से 1.5 लाख रुपये भारी फीस, कम से कम 1.5-2 लाख रुपए खर्च होता है प्राइवेट कॉलेज से, वो बचाना चाहते हैं तो आप हमारे साथ आइए, पेड क्लासेस में पढ़िए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। यदि आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं, आप पढ़ना चाहते हैं तो ही आइएगा, तभी सिलेक्शन होगा। ऐसा नहीं कि कोर्स परचेज करने से सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। मेहनत हम लोग करवाते हैं, हम करते हैं, आपको भी करना होगा। और लाइव क्लासेस के थ्रू फिजिक्स और केमिस्ट्री को मैं गाइड कर देता हूँ, ऐसे ऐसे आप फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको देखना है कि आपको जो इस बैच में क्या मिलने वाला है, पूरे रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स बायोलॉजी और मैथ के, मैथ का भी लेक्चर्स चल रहा है, बायोलॉजी और मैथ का पूरा सिलेबस का वीडियो लेक्चर्स आपको करवाया जा रहा है। काफ़ी दूर तक हम लोग पहुंच चुके हैं, अभी भी लेट नहीं है, आराम से आप कर सकते हैं, मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। ई बुक PDF नोट्स चारों सब्जेक्ट्स के देते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी, टॉपिक वाइज MCQ टेस्ट भी चारों सब्जेक्ट्स के मिल जाएंगे। अभी फिलहाल यहाँ पे बायोलॉजी के टेस्ट चैप्टर वाइज अवेलेबल है, जैसा कि आपके एग्जाम का जो ऑनलाइन एग्जाम होगा CBT टेस्ट, जस्ट लाइक उसी टाइप का टेस्ट आपका यहाँ पे होगा। फिर मॉडल पेपर प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस और फिर प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, ये सभी चीज़ें हम लोग करवाएंगे इस बैच में लाइव आकर, तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। यदि आप इंटरेस्टेड हैं और आप जेन्युइन कंटेंट हैं और यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाइए और उदित फार्मेसी सर्च कीजिए, देन हमारे ऐप का लोगो कुछ इस प्रकार से इंस्टॉल कीजिए और उसमें अपना नाम, ईमेल आईडी डाल के, मोबाइल नंबर डाल के लॉग इन कर लीजिए। लॉग इन करने के बाद स्टोर वाले सेक्शन में आइए और वहाँ पर एक कोर्स दिया जाएगा डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम बाय उदित फार्मेसी, इस कोर्स को आप ज्वाइन कर लीजिए। मात्र 499 रुपये में आपको कोर्स ये प्रोवाइड किया जा रहा है पूरे साल भर के वैलिडिटी के साथ, यानी आप जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है, काउंसलिंग नहीं हो जाता है, तब तक आप उस कोर्स में रहेंगे और आपको हम लोग अपने ऐप पर आपको हेल्प करते रहेंगे। डायरेक्टली आप वहां पे एजुकेटर से बात भी कर सकते हैं ओरली, ठीक है। नहीं विश्वास होता है, आप एक बार ऐप पर जाइए और फ्री डेमो क्लासेज अवेलेबल हैं, साइटोलॉजी का अवेलेबल है, कुछ बायोलॉजी लेक्चर्स हैं जो कि लाइव क्लासेज हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, आप उसको एक बार विजिट कर लीजिए, ठीक है। चलिए, आई होप कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। और भी कोई डाउट्स बचा है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ऑलवेज खुला है, आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं आपको खुद जेन्युइन रहा तो वीडियो बना दूंगा या तो खुद रिप्लाई कर दूंगा। और यदि आपको किसी भी प्रकार का टेक्निकल प्रॉब्लम आता है कोर्स को ज्वाइन करने में तो आप इस नंबर पर हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, सुबह 8 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक, ठीक है। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ओके बाय बाय।